एग्जाम्पल थर्टी फाइव इन फिगर ट्रेंगल ए बी सी इज एन ऑप्टल एंगलेंडिकुलर सी बीन प्रूव डेट यहां पर ये ऑप्टल है, है, है इसके बाद बोला ए डी परपेंडिकुलर सी बी ये ए डी परपेंडिकुलर सी बी सी बी को आगे की ओर बढ़ाया है और उसी पर एडी पर है तो बोला प्रूव डेट ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू बी सी इंटू बी डी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस टू बी सी इंटू बी डी यहाँ पे क्या करिए आप एक बार चलिए पूरा बड़ा वाला ट्रगल में तो पहले छोटा वाला ट्रेंगल में चलिए इन ट्रगल ए डी बी में तो यहाँ पे बड़ा नाइनटी डिग्री तो नाइन्टी डिग्री के सामने हाइपोटेनस ए बी हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको मान लीजिए इक्वेशन वन अब पूरा बड़ा वाला ट्रेंगल में चलिए ट्रेंगल ए में तो यहाँ पे पूरा बड़ा वाला ट्रेंगल में देखिएगा कि 90 के सामने ए आ रहा है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये पूरा बेस हो जाएगा सी तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए सी डी को आप क्या लिखेगा बी डी और प्लस बी सी तो ये हो जाएगा सी डी को आप लिखेगा बी डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर तो यह हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ये यहाँ पर देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको डिराइव करिए तो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो टू इंटू बी डी इंटू बी सी तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे देखिए आपको लाना क्या था आपको लाना था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर तो आया हुआ है यहाँ पे आपको चाहिए ए बी स्क्वायर अब इक्वेशन वन को ध्यान से देखिए ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू आप ए बी स्क्वायर लाए थे तो यहाँ पे ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर जगह ये वाला पुट करिए तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू बी डी इंटू बी सी यही तो प्रूव करना था याद रखिएगा इसको बोला जाता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला प्रोजेक्शन फॉर्मूला इन ऑप्टूस एंगल ट्रायंगल तो आपको याद रखना है कि ऑप्टूस एंगल ट्रायंगल का प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है इसका आगे बहुत यूज होगा यहां पे जैसे इस तरीके का ऑप्टि एंगल ट्रायंगल होता है ए बी सी और इधर एक परपेंडिकुलर डा होता है डी तो इसमें आपको याद रखना है कि ए सी का स्क्वायर इक्वल होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस टू इंटू बी सी इंटू बी डी ठीक है ये दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस टू इंटू बी सी इंटू बी डी तो इसको आप अच्छा से याद कर लीजिए इसका आगे बहुत यूज होगा एग्जाम्पल थर्टी सिक्स इन फिगर एंगल बी ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इज एन एंगल एंड ए डी परपेंडिकुलर बी सी यहाँ पे फिगर में देखिए करा ट्रैंगल ए बी सी में जो एंगल बी है वो एक्यूट एंगल है और ए डी परपेंडिकुलर बी सी है तो यहाँ बोला है प्रूव डैट ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस टू बी डी इंटू बी सी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस टू बी डी इंटू बी सी तो यहाँ पे आप एक बार इस ट्रैंगल में चलिए और एक बार इस ट्रैंगल में चलिए तो यहाँ पे चलिए इन इंट्रैंगल ए बी डी में तो ए बी डी में चलेगा तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा इस साइड भी तो यहाँ पे 90 के सामने ये ए बी हाइपोटेनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इसको मान लीजिए इक्वेशन वन अब चलिए इस ट्रैंगल में ए डी सी में इन ट्रैंगल ए डी सी तो यहाँ पे 90 डिग्री बढ़ा तो 90 के सामने ए सी हाइपोटेनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर अब यहां पे देखिए सी को आप क्या लिखेगा बी सी कटर में बी सी कटर में आप लिखिएगा बी सी माइनस बी तो यहां पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस और सी को आप लिखेगा ये देखिए ना पूरा बी में से अगर आप बी को हटा लीजिएगा तो सी सिर्फ बचेगा तो इसको लिखेगा बी सी माइनस बी तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर और यहां पे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे डिराइव करिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो ये हो जाएगा टू इंटू बी सी इंटू बी डी तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू तो, देखिए आपको लाना क्या था आपको लाना था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो बी सी स्क्वायर तो आ गया आप चाहिए ए बी स्क्वायर तो ए डी प्लस बी डी यहाँ पर देखिए तो इक्वेशन वन में ए डी प्लस बी डी इक्वल टू क्या है ए बी है तो यहाँ पर आप ए डी प्लस बी डी की जगह ए बी पुट कर सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ये बीसी स्क्वायर माइनस टू बी सी इंटू बी डी यही तो आपको प्रूव करना था इसी को भी बोला जाता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया प्रोजेक्शन फॉर्मूला इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल तो इसको आप याद रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट है यहां पे देखिए याद कैसे रखना है आपको जैसे ये एक्यूट एंगल बना तो एक्यूट एंगल के सामने वाला साइड ए सी है तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो साइड कौन कौन बच एक बच गया ए बी और एक बच गया बी सी तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर उसके बाद होता है माइनस यहाँ पे देखिए माइनस एक बार ये पूरा बड़ा वाला साइड लेना है और एक बार छोटा वाला यहाँ पे देखिए छोटा वाला साइड लेने में कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये वाला लें कि ये वाला लें तो यहाँ पे आपको देखना है कि जहाँ पे एक्यूट एंगल बढ़ रहा है वही वाला साइड आपको लेना है छोटा वाला आप बड़ा वाला तो इक्वल लेना ही है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू बी सी इंटू बी डी यहाँ पे सी डी को आपको कभी नहीं लेना अगर एक्यूट एंगल ट्रैंगल यहाँ पे बनता तो फिर जैसे सपोज मान लीजिए कि एक्यूट एंगल ट्रैंगल यहाँ पे बनता तो एक्यूट एंगल ट्रैंगल के सामने ये ए बी है तो ये हो जाता है ए बी स्क्वायर इक्वल टू दो साइड बचा एक ए सी और एक बी सी तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा टू एक बार पूरा बड़ा वाला लेना है तो बी सी और यहाँ पे बड़ा है तो यहाँ पे आपको ए वाला लेना होगा इस स्थिति में सी डी तो इस तरीके से आप याद रखिएगा प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल में कैसे वर्क करता है और एक्यूट एंगल ट्रैंगल में कैसे वर्क करता है एग्जाम्पल थर्टी सेवन प्रूव डेट इन एनी ट्रै द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू टू विच द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ थर्ड साइड टूगेदर विथ टू बी द स्क्वायर ऑफ द मीडियम देखिए एक ट्राइंगल है एबीसी और उसमें एक मीडियन भी है सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रा कर लीजिए और उसमें एक मीडियन ड्रा कर लीजिए यहाँ पे एक मीडियन ड्रा कर लिए हैं एडी ठीक है और मीडियम जो क्या होता है साइड वाई सेक्टर होता है डेट मीनस बी डी और सी डी आपस में इक्वल हो जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा बी डी और सी डी आपस में इक्वल और इसका जो वैल्यू आएगा वो पूरा का आधा हो जाएगा डाइट मीन्स बी सी बाई टू ये तो आपको पता चल रहा होगा बी डी इक्वल टू सी डी और बी डी का जो वैल्यू होगा वो सी डी का ये बी सी का हाफ हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे है बी यहाँ पे है सी और यहाँ पे है डी ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है मान लीजिए ये फाइव तो ये भी फाइव हो जाएगा और पूरा कितना हो जाएगा पूरा टेन हो जाएगा अब देखिए जो बी डी का जो वैल्यू होगा वो पूरा का क्या है हाफ़ है तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है बी डी इक्वल टू सी डीवल टू बी सी बाई टू अब देखिए कह क्या रहा था ये यहाँ पे आपको प्रूफ डेट में क्या करना था एक बार फिर से पढ़िए करा प्रूफ डेट इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड करा किसी ट्रायंगल में किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम इक्वल होता है टू टूविट द स्क्वायर ऑफ हाफ द थर्ड साइड टूगेदर विथ टूविज द स्क्वायर ऑफ द मीडियन रहा है कि किसी ट्रगल में किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम तो मान लीजिए एक साइड ले लेते हैं ए बी और एक साइड ले लेते हैं ए सी और इसके स्क्वायर का सम करिए तो यहां पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ये बोला कि ये इक्वल होता है यहाँ से पढ़िए टू बी द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड यहां पे देखिए ये यह बोला यहां पे इसको पीछे से पढ़िए थर्ड साइड के हाफ के स्क्वायर का दो गुना यही बोल रहा है ना थर्ड साइड के हाफ के स्क्वायर का दो गुना तो यहाँ पे थर्ड साइड कौन बचा बीसी बचा तो थर्ड साइड के हाफ तो इसका हाफ हो जाएगा बी सी बाई टू फिर बोला इसके स्क्वायर तो ये हो जाएगा बीसी बाई टू का होल स्क्वायर का दो गुना तो ये हो जाएगा टुगेदर बीस टुगेदर बीस का मतलब प्लस टू स्क्वायर ऑफ द मीडियन मीडियन के स्क्वायर का दो गुना तो मीडियन यहाँ पे ए डी है तो मीडियन का स्क्वायर हो जाएगा ए डी स्क्वायर इसका दो गुना तो ये हो जाएगा टू ए डी स्क्वायर तो यही आपको प्रूव करना था अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और यहाँ पे टू बी सी बाई टू के जगह आप बी डी पुट कर सकते हैं तो यहाँ से बी सी बाई टू के जगह बी डी पुट करिए हो जाएगा बी डी का होल स्क्वायर प्लस टू ए डी स्क्वायर तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू यहां से दो कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर यही आपको प्रूव करना है तो यहां पे आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए ए e एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा तो यहां पे लिखिए ड्रा ए e परपेंडिकुलर BC बी सी तो यहाँ भी नब्बे बना देगा इस साइड भी नाइन्टी बना देगा अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इसको मान लेते हैं एंगल वन और इसको मान लेते हैं एंगल टू ठीक है और इस साइड वाले को मान लीजिए एंगल थ्री अब यहाँ से देखिए बीच वाला जो ट्रेंगल दिख रहा है यहाँ पे बीच वाला ट्रेंगल ए डी ई में एक एंगल तो नाइन्टी डिग्री है तो बाकी दो एंगल का सम भी कितना होगा नाइन्टी डिग्री होगा क्योंकि पूरा होता है एक तो एक है नाइन्टी डिग्री तो बाकी दो एंगल का भी सम हो जाएगा नाइन्टी डिग्री तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल ओ वन प्लस एंगल टू इक्वल टू होगा नाइन्टी डिग्री इसके बाद देखिए जब एंगल वन और एंगल टू का वैल्यू है नाइन्टी डिग्री इसका मतलब क्या होगा कि एंगल वन और एंगल टू दोनों का जो वैल्यू होगा वो नाइन्टी से कम होगा जैसे यहाँ पे ट्रायंगल था ए डी ई और एक दे रखा ये नाइन्टी डिग्री और यहाँ पे बोला कि ये दोनों एंगल का जो सम होगा वो नाइन्टी डिग्री होगा तो नाइन्टी डिग्री कब होगा जब मान लीजिए ये थर्टी है और ये सिक्सटी है इस तरीके से कुछ भी हो सकता है ये जब सेवेंटी हो और ये ट्वेंटी हो इस तरीके से हो सकता है अब सपोज करिए मान लीजिए ये नाइन्टी हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा फिर दोनों का सम नाइन्टी डिग्री है ना अब जब आप इसको नाइन्टी डिग्री अगर ले लीजिएगा तो इसका क्या जीरो डिग्री होगा इसका भी तो कुछ वैल्यू है तो यहाँ से तो कन्फर्म है कि इसका ये दोनों का वैल्यू कभी भी नाइन्टी डिग्री नहीं हो सकता हमेशा होगा तो नाइन्टी से कम ही होगा चाहे जो भी वैल्यू हो तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एंगल टू का जो वैल्यू होगा वो नाइन्टी से छोटा होगा सो एंगल टू लेस देन नाइन्टी डिग्री अब देखिए जब एंगल टू नाइन्टी से छोटा है तो एंगल थ्री क्या होगा नाइन्टी से बड़ा होगा ज़ाहिर सी बात है इस तरीके से है इस तरफ का एंगल है नाइन्टी से छोटा जैसे नाइन्टी से छोटा आप कुछ भी ले लीजिए जैसे मान लेते हैं एट्टी ले, ले लेते हैं तो इस साइड का जो वैल्यू होगा वो नाइन्टी से बड़ा आएगा यहाँ पर देखिए हंड्रेड आएगा तभी ना टोटल वन एटी आएगा लीनियर पेयर से और यहाँ पर यदि आप नाइन्टी से छोटा ले लीजिए मान लीजिए आप ले लिए एट्टी नाइन तो इस साइड कितना आ जाएगा तो इस साइड हो जाएगा नाइनटी वन मतलब आप देख रहे हैं कि इधर नाइन्टी से छोटा कोई भी वैल्यू लीजिएगा तो इस साइड का जो वैल्यू आएगा वो नाइन्टी से बड़ा आएगा तो यहां पे एंगल थ्री का जो वैल्यू होगा वो नाइन्टी से बड़ा हो जाएगा सो so, एंगल थ्री ग्रेटर देन नाइन्टी डिग्री ये चीज आपको आ गया होगा समझ में अगर नहीं आया तो एक बार इसको आप फिर से देख लीजिए इसके बाद देखिए यहाँ पे ए बी डी abd इसमें एंगल थ्री जो आ रहा था वो 90 से बड़ा आ रहा था तो जब 90 से बड़ा आ रहा है मतलब abd जो होगा वो ऑबट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा क्योंकि एक एंगल 90 से बड़ा आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा सो so, ट्रायंगल abd इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अब यहाँ पे इसको बाहर निकाल रहा है abd को यहां पे देखिए ये कुछ इस तरीके का है ये थोड़ा और सलाइंट रहेगा यहाँ पे ये नाइन्टी से बड़ा है और इसका जो परपेंडिकुलर है ये ए e है यहाँ पे अब याद करिए आप प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो आपको पिछले एग्जाम्पल थर्टी फाइव में बताए थे यहाँ पे अप्लाई करिए प्रोजेक्शन फार्मूला तो यहां पे हो जाएगा ये देखिए ऑप्टि से एंगल के सामने वाला ए बी है तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस टू इंटू बी डी इंटू डी ई तो यहाँ जाएगा टू इंटू बी डी इंटू डी ई अगर आपको प्रोजेक्शन फॉर्मूला याद नहीं है तो एक बार आप एग्जाम्पल थर्टी फाइव को फिर से देखिए इसके बाद यहां पे देखिए एंगल टू का जो वैल्यू आ रहा था वो नाइन्टी से छोटा आ रहा था तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रैंगल तो इसको भी बाहर निकालिए तो ये इस तरीके से है ए डी सी यहां पे है एंगल टू था और यहां पे अल्टीट्यूड है ए e. अब यहां पे देखिए इसमें भी प्रोजेक्शन फॉर्मूला लगाइए पहले यहां पे लिख लीजिए ट्रेंगल ए डी ट्रेंगल ए डी ई ए डी सी लिखिए ट्रेंगल ए डी सी इज एक्यूट ट्रेंगल सो यहाँ पे प्रोजेक्शन फॉर्मूला लगाइए तो देखिए यहाँ पे क्या होता है एक्यूट के सामने वाला साइड तो ए सी ये अल्टीट्यूड नहीं लेना है आपको ए सी तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर का सम तो ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस यहाँ पे होता टू इंटू एक बार पूरा बड़ा वाला लेना है एक बार एक के साथ जो साइड रहता है उसको लेना है तो टू इंटू डी ई इंटू डी सी इसके बाद देखिए तो यहां पे हो जाएगा और यहां पे देखिए एक चीज और जब ये ए डी क्या था मीडियम था तो यहां से बी डी और सी डी आपस में इक्वल आ गया था तो यहां पे देखिए आपको पता है कि बी डी और सी डी आपस में क्या इक्वल है तो सी डी की जगह बी डी पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस यहां पे देखिए सी डी की जगह बी डी पुट करिए तो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस टू डी ई इन टू बी डी यहां पर भी सी डी के जगह बी डी और यहाँ पर भी सी डी के जगह बी टी अब इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड अब दोनों इक्वेशन को ऐड करिए इक्वेशन ओ वन प्लस टू तो यहाँ पे ऐड करिए तो एल एच एस वाले को एल एच एस के साथ तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे देखिए पहले इसके आर एच एस को लिखिए तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस टू बी डी इंटू डी ई और यहाँ पे हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस टू डी ई इंटू बी डी अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में और ये माइनस में तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे देखिए ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर ये हो जाएगा टू ए डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर तो ये हो जाएगा टू बी डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर यहाँ पे दो कॉमन ले लीजिएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर यही आपको प्रूव करना था तो मेरे रूप से इसमें प्रोजेक्शन फॉर्मूला का यूज हुआ है एक्यूट एंगल एक ट्रायंगल के लिए और एक एंगल ट्रायंगल के लिए आप एग्जांपल थर्टी फाइव और एग्जांपल थर्टी सिक्स दोनों में पढ़ चुके हैं अगर आपको दिक्कत है तो वहां पर पहले एग्जाम्पल थर्टी फाइव और थर्टी सिक्स को क्लियर कर लीजिए उसके बाद इसको बनाइए एग्जाम्पल थर्टी एट प्रूफ ड्री टाइम्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ़ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू फोर टाइम्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ़ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल करा ट्रायंगल के साइड के स्क्वायर का थ्री टाइम्स इक्वल होता है मीडियन के स्क्वायर के सम के फोर टाइम्स का जैसे सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाइए ये है ए बी और सी बोला इसमें पहले मीडियन ड्रा करिए तो एक मीडियन हो जाएगा यहाँ से ये एक इधर हो जाएगा और एक ट्राइंगल में टोटल तो थ्री मीडियन होता है यहाँ पे नाम दीजिए। डी ई एंड एफ तो एक मीडियन हो गया ए डी एक बी ई e, और एक सी एफ तो यहाँ पे लेट कर लीजिए लेट ए डी बी ई एंड सी एफ आर थ्री मीडियंस सो प्रूव डैट यहाँ पर देखिए प्रूव क्या करना था बोला था कि थ्री टाइम द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ़ द साइड्स ऑफ द ट्रेंगल इज इक्वल टू फोर टाइम द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ़ द मीडियन ऑफ द ट्रेंगल कर ट्रेंगल के साइड के सम स्क्वायर के सम का थ्री टाइम्स इक्वल होता है उसके मीडियन के स्क्वायर के सम के फोर टाइम्स का तो यहाँ पे देखिए ट्रेंगल का साइड कौन है ए बी है बी सी है और ए सी है तो इसके साइड के स्क्वायर का सम करिए हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अब बोला इसके सम का थ्री टाइम्स इक्वल होता है इसके मीडियन के स्क्वायर के सम के फोर टाइम्स का तो इसके मीडियन के स्क्वायर का सम करिए तो एक मीडियन है ए डी तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर एक मीडियन है बी ई तो एक हो जाएगा बी ई स्क्वायर और एक मीडियन है सी एफ तो एक हो जाएगा सी एफ स्क्वायर और इसके सम के फोर टाइम्स का यही यह बोला था प्रूव करने के लिए तो यहाँ पे देखिए बी नो डैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड इज इक्वल टू टू टूज द स्क्वायर ऑफ द हाफ द साइड टुगेदर विथ टू इज द स्क्वायर ऑफ इट्स मीडियन ये अभी आप एग्जाम्पल थर्टी सेवन में पढ़े हैं तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि किसी ट्रैंगल में किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम इक्वल होता है तीसरे साइड के हाफ के तीसरे साइड के हाफ के स्क्वायर के दो गुना के साथ ही साथ मीडियन के स्क्वायर के दो गुना के लेट मीन्स मान लीजिए कि यहाँ पे मीडियन हम AD को लेते हैं जैसे यहाँ पे तीन मीडियन है तो बारी-बारी से तीनों को लेना होगा तो मान लीजिए भेन AD इज मीडियन तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा एक दो साइड ले लीजिए एक AB और एक AC तो यहाँ पे हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा थर्ड साइड कौन बचा BC तो BC के हाफ के तो BC 2 तो इसके हाफ के स्क्वायर के दो गुना का प्लस मीडियन के स्क्वायर के दो गुना का तो यहाँ पे मीडियन आप ए डी लिए हैं तो ये हो जाएगा ए डी के स्क्वायर का दो गुना यही होता है यह ये अभी आप एग्जाम्पल थर्टी सेवन में पढ़े हैं. तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ये हो जाएगा टू बी सी स्क्वायर बाई फोर प्लस टू ए डी स्क्वायर तो यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और यहाँ पे काटिए इसको दो से और इसके बाद एलसीएम ले लीजिए टू तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा फोर ए डी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा टू इन टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस फोर ए डी स्क्वायर इसको मान लीजिए इक्वेशन वन तो एक बार ए डी मीडियम लिए थे अब यहाँ पर बी ई मीडियम लीजिए वेन बीई इज मीडियम तो यहां पे क्या हो जाएगा देखिए पैटर्न को देखिए जब आप एडी मीडियम लिए थे तो यहां पे क्या आया था ए बी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर देखिए एडी के बगल वाला एडी के बगल वाला कौन है एक ए बी है और एक ए सी है तो ए बी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर इक्वल आया था ये वाला बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर तो यहाँ पे जब आप बीई मीडियन लिए हैं तो बीई के देखिए बगल में कौन कौन साइड है एक ए बी है और एक बी सी है तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और यहाँ पे इसको दो गुना करना होगा क्योंकि यहाँ पे दो गुना है ना इक्वल होगा यहाँ पे देखिए अब ये वाला बेस को लीजिएगा तो ए सी स्क्वायर मीडियन बी ई लिए हैं तो ये हो जाएगा फोर ई स्क्वायर e क्योंकि यहाँ पे क्या था फोर ए डी स्क्वायर था ना तो यहाँ पे भी आपको फोर लेना होगा और ए सी कैसे लिए जैसे यहाँ पे बी सी हुआ था तो थर्ड साइड हुआ था तो यहाँ पे जब BE के बगल वाला एक साइड ए बी और एक साइड बी सी आप ले लिए तो थर्ड साइड कौन बचा ए सी ही बचा ना तो यहाँ पे ए सी आया है। इसको मान लीजिए एक और मीडियन है भेन मीडियन इज सी एफ एक मीडियन बच रहा है सी एफ तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका तो सी एफ के दोनों तरफ का साइड तो सी एफ के दोनों तरफ का साइड एक है बी सी और एक है ए सी तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और इसका टू टाइम्स करना होगा इक्वल टू यहाँ पे देखिए थर्ड साइड कौन बचा थर्ड साइड बचेगा ए बी तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस फोर इंटू सी एफ मीडियम का स्क्वायर तो फोर इंटू सी एफ का स्क्वायर इसको मान लीजिए इक्वेशन थ्री पहले इक्वेशन वन टू और थ्री को ठीक से समझ लीजिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके बाद तीनों इक्वेशन को ऐड करिए इक्वेशन वन प्लस टू प्लस थ्री तो एल वाले को एल के साथ और आर वाले को आर के साथ तो यहाँ पे देखिए एल में आप देख रहे हैं टू 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 तीनों जगह है टू तो आप टू कॉमन ले लीजिए उसके बाद देखिए ए बी यहाँ भी है और ए बी यहाँ भी है तो दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा टू ए बी स्क्वायर उसके बाद बी सी और बी सी ये भी दो गो है तो ये हो जाएगा टू बी सी स्क्वायर इसके बाद देखिए ए सी और ए सी ये भी दो गो है तो ये हो जाएगा टू ए सी स्क्वायर और आर को भी ऐड करिए तो वहाँ पे है बी सी स्क्वायर प्लस फोर ए डी स्क्वायर फिर इक्वेशन टू का आर एच एस तो ए सी स्क्वायर प्लस फोर बी ई स्क्वायर और उसके बाद इक्वेशन थ्री का आर एच एस तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस फोर सी एफ स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए दो से तो ये हो जाएगा फोर ए बी स्क्वायर प्लस फोर बी सी स्क्वायर प्लस फोर ए सी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर देखिए ए बी बी सी और ए सी इसको एक जगह ले आइए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ये फोर वाला को भी एक जगह लिखिए तो हो जाएगा फोर ए डी स्क्वायर प्लस फोर बी ई स्क्वायर प्लस फोर सी एफ स्क्वायर अब देखिए ए बी बी सी और एसी इसको इधर लाइए तो फोर ए बी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा थ्री ए बी स्क्वायर उसी प्रकार बीसी को भी तो माइनस होकर बचेगा सी माइनस ए सी तो यह भी आ जाएगा थ्री ए सी स्क्वायर आउट साइड बच जाएगा फोर ए डी स्क्वायर प्लस फोर बीई स्क्वायर प्लस फोर सी एफ स्क्वायर अब यहां से थ्री कॉमन ले लीजिए जाएगा थ्री इन टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इस साइड में फोर कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर एग्जाम्पल थर्टी नाइन इन अ ट्राइंगल ए बी सी ए सी ग्रेटर देन ए बी एक ट्राइंगल है ए बी सी इसमें बोला रखा है कि ए सी है जो ए बी से बड़ा है D इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी डी है जो बी सी का मिड पॉइंट है तो यहाँ पे बीच बीच में D को डाली तो इस साइड और इस साइड ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा क्योंकि D मिड पॉइंट है तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि बी डी और सी डी ये आपस में इक्वल होगा और दोनों का जो वैल्यू होगा वो पूरा का हाफ हो जाएगा दैट मीन्स बी सी बाई टू ये तो अब आता होगा इसमें बी सी बाई टू इसके बाद देखिए ए ई पर पेंडिकुलर बी सी ए पर पेंडिकुलर बी सी तो पहले इसको मिलाइए ए डी को और यहाँ से एक परपेंडिकुलर भी है तो यहाँ से ड्रा करिए ये हो गया ए ई परपेंडिकुलर बी सी तो वो रख वो रखा है प्रूफ डेट फर्स्ट में ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी प्लस वन बाई फोर बी सी स्क्वायर यहाँ पे देखिए क्या करते हैं ये जो एग्जाम्पल थर्टी सेवन आपको बताए थे उसी के जैसा ये भी है यहाँ पे मान लीजिए इसको एंगल वन और इसको मान लीजिए एंगल टू इस साइड वाले को मान लीजिए एंगल थ्री इस ट्रेंगल को देखिएगा ट्रैंगल एस में एक एंगल है नाइन्टी डिग्री बाकी दो एंगल का भी सम होगा नाइन्टी डिग्री तभी तो टो टोटल वन एट्टी होगा तो यहाँ पे एंगल वन प्लस एंगल टू इसका भी सम होगा नाइन्टी डिग्री अब बताइए तो जब दो एंगल का सम नाइन्टी डिग्री है तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों एंगल नाइन्टी से छोटा रहेगा जैसे एक का वैल्यू पचास ले लीजिए तो एक का वैल्यू आ जाएगा फोर्टी इसी तरीके से ना जैसे अगर आप ले लीजिएगा एक का वैल्यू एट्टी नाइन तो एक का वैल्यू होगा वन बट दोनों तो नाइन्टी से छोटा ही है ना आप नाइन्टी तो ले नहीं सकते अगर एक का वैल्यू नाइन्टी ले लीजिएगा तो दूसरा जीरो डिग्री थोड़े होगा मतलब दोनों होगा जो नाइन्टी से छोटा होगा इसका मतलब आप बोल सकते हैं एंगल टू इज लेस देन नाइन्टी डिग्री और अग जब एंगल टू का वैल्यू नाइन्टी से छोटा होगा तब बताइए एंगल थ्री का वैल्यू नाइन्टी से बड़ा होगा ये तो साफ पता चल रहा है एंगल थ्री का जो वैल्यू होगा वो नाइन्टी से बड़ा हो जाएगा आपको एग्जाम्पल थर्टी सेवन में भी बताए हैं अब यहां पे देखिए एंगल थ्री ग्रेटर देन नाइन्टी डिग्री तो यहां पे जो ट्रेंगल बरा एडीसी ये हो जाएगा ऑप्टूस एंगल ट्रेंगल क्योंकि इसका एक एंगल नाइन्टी से बड़ा हो गया तो यहां पे हो जाएगा सो so, ट्रेंगल ए डी सी इज ऑप्टूस ट्रैंगल यहाँ पे ए डी सी को बाहर निकाल लीजिए ये इस तरीके से है और यहाँ पे इसका अल्टीट्यूड है ए ई इस तरीके से मान लीजिए अब यहाँ पे देखिए प्रोजेक्शन फार्मूला लगाइए आपको याद होगा ऑप्टिश एंगल ट्रे में क्या होता है ये ऑप्टिश एंगल के सामने वाले साइड तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग दो साइड तो एक बच्चा ए डी और एक बच्चा सी डी ये तो आपका अल्टीट्यूड है तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस टू इन टू एक ये वाला लेना है और एक ये वाला लेना है तो टू इंटू सी डी इंटू डी ई तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए सी डी सी डी जो था वो बी सी बाई टू था सी डी इक्वल टू बी सी बाई टू तो सी डी तो का जगह बी सी बाई टू पुट करिए तो ये आ जाएगा बी सी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टू और यहाँ भी सी डी का जगह बी सी बाई टू पुट करिए तो बी सी बाई टू इंटू डी ई तो ये देखे, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाई फोर और यहाँ दो से दो कटेगा तो ये बच जाएगा बी सी इन डी ई e. यही तो प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर सेकंड ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी ई प्लस वन बाई फोर बी सी स्क्वायर देखिये यहाँ पे इसी को ध्यान से देखिए ए बी स्क्वायर आपको लाना है ना तो ए बी स्क्वायर देखिए ए बी यहाँ पे ये यह कौन एंगल के सामने ये एंगल टू के सामने यहाँ अल्टीट्यूड के एंगल नहीं देखना ये वाला एंगल टू के सामने है और आपको पता है कि एंगल टू का जो वैल्यू आया था वो नाइन्टी से छोटा आया था यहाँ पे एंगल टू लेस देन नाइन्टी डिग्री था तो जब एंगल टू लेस देन नाइन्टी डिग्री है तो आप बोल सकते हैं कि ट्रेंगल ए बी डी ट्रेंगल ए बी डी जो होगा वो एक्यूट एंगल ट्रेंगल होगा सो so, ट्रेंगल ए बी डी इज एक्यूट ट्रैंगल अब इस ट्रेंगल को बाहर निकालिए यहां ये इस तरीके से है ए बी डी और यहाँ पे एक है e. अब यहां पे लगाइए जो वाले साइड ए बी तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग दो साइड एक ए डी और एक बी डी तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और इसमें होता है माइनस टू इन टू यहाँ पे देखिए एक बार पूरा बड़ा वाला लेना रहता है और एक बार एंगल के जो साथ में जो साइड है ये वाला उसको लेना रहता है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू डी ई ये पूरा बड़ा वाला BD तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी अब देखिए BD BD का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे देखिए फर्स्ट में BD जो था वो BC सी बाई के इक्वल था तो यहाँ पे बी के जगह बी सी पुट करिए तो ये हो जाएगा बी सी का होल स्क्वायर माइनस टू डी ई इन टू यहाँ पे भी बी डी का जगह बी सी बाई टू पुट करिए यहाँ पे देखिए दो से दो कटेगा तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर और यहाँ पे इसका स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाई फोर माइनस डी ई इंटू बी सी यहीं तो प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर थ्री ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू ए डी स्क्वायर प्लस वन बाई टू बी सी स्क्वायर देखिए इसको प्रूव करने के लिए अभी जो आप ऊपर दो को प्रूव किए वहीं दोनों से ये भी हो जाएगा जैसे फर्स्ट में आप प्रूव किए थे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई फोर प्लस बी सी इंटू डी ई इसको मान लीजिए इक्वेशन वन और सेकेंड में आप प्रूव किए थे ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई फोर माइनस डी ई इंटू बी सी इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड आपको लाना है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर तो यहाँ पे दोनों को ऐड करना होगा तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड करिए तो एल एच एस वाले को एल एच एस के साथ तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर और आर एच एस वाले को आर एच एस के साथ तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर वाई फोर प्लस बी सी इंटू डी ई और यहाँ पे इसका चेस लिखी तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई फोर माइनस डी ई इंटू बी सी यहाँ पे देखिए बी सी इंटू डी और बी सी इंटू यहाँ पे ई e है डी ई ये दोनों कट जाएगा प्लस माइनस में है तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर और यहाँ पे देखिए ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर तो ये हो जाएगा टू ए डी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर बाई फोर और बी सी स्क्वायर बाई फोर तो आप देख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर को डायरेक्ट एड करिए तो बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर टू बी सी स्क्वायर अपॉन फोर यहाँ पे काटिए दो बार में तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई टू यही आपको प्रूव करना था एग्जाम्पल फोर्टी प्रूव है द सम ऑफ्राम इज टू दाइड करा के प्रूव करिए पेरेलोग्राम में सम इक्वल होता है उसके साइड के स्क्वायर के सम का डेट मीन्स यहाँ पे आपको प्रूफ करना है डाइगोनल के स्क्वायर का सम डेट मीन डाइगोनल ए सी और बी डी है तो यहाँ पे आपको ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे इसके साइड के स्क्वायर के सम का तो साइड ए बी बी सी सी डी और ए डी है तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर यही आपको प्रूव करना है देखिए यहाँ पे कैसे प्रूव होगा जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है ए बी सी और इसका एक मीडियन है ए डी तो यहाँ पे आपको पता है कि यदि किसी ट्रायंगल का मीडियन ए डी हो तो किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम इक्वल होता है तीसरे साइड के हाफ के स्क्वायर के दो गुना के प्लस मीडियन के स्क्वायर के दो गुना के करने तो का, का मतलब जैसे मीडियन ए डी है तो यहाँ पे आपको पता है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ये दोनों साइड के स्क्वायर का सम इक्वल होता है थर्ड साइड यहाँ पे बस रहा बी सी तो इसके हाफ के स्क्वायर के दो गुना के प्लस टू मीडियम का स्क्वायर डेट मीन्स ए का स्क्वायर ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल थर्टी सेवन तो इसके बाद देखिए पेरेलो में आपको पता है कि इसका जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है डेट मीन्स ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल हो जाएगा इधर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा कितना डिग्री पे बाइसेक्ट करता है वो पता नहीं है सिर्फ ये बाइसेक्ट करता है ये पता है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया इधर ये दोनों आपस में इक्वल हो गया अब एक चीज सोचिए जैसे अगर कोई ट्रायंगल इस तरीके का है ए बी सी और यहाँ पे एक लाइन है डी अभी आपको नहीं बोला गया है कि ए डी है जो अल्टीट्यूड है या मीडियन है ये आपको नहीं बोला गया है सिर्फ यहाँ पे बोल दिया कि बी डी और सी डी ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो आप क्या बोलिएगा कि ए डी क्या होगा मीडियन या अल्टीट्यूड आपको पता है कि मीडियन जो होता है वो साइड बाई सेक्टर का काम करता है तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ये जो साइड बाइसेक्ट होल है मतलब ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है तो ए डी क्या होगा मीडियन होगा आप ये चीज बोल सकते हैं ए डी अल्टीट्यूड होगा ये कैसे आप बोल दीजिएगा तो उसी प्रकार यहाँ पे यदि आप देखिए ट्रेंगल ए बी सी को ध्यान से देखिए ए बी सी इस ट्रेंगल में ये जो साइड है ए सी ये क्या है बाइसेक्ट होल है ये दोनों आपस में इक्वल है तो आप बोल सकते हैं कि ये जो ओ बी है वो मीडियन का, का काम करेगा उसी प्रकार ऊपर वाला ट्रेंगल ए डी सी को देखिए यहां पे भी एडीसी में जो ए है वो भी क्या है होल हो तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि ओडी है वो मीडियन का काम करेगा तो यहां पे देखिए चूंकि डायगोनल ऑफ ए पेरेलोग्राम ओबी एंड ओडी so, यहां पे देखिए ओ बी एंड ओडी इज मीडियन ऑफ ट्रगल ए बी सी एंड एडीसी जो ए बी सी का मीडियन हो जाएगा और ओडी है जो ए डी सी का मीडियन हो जाएगा इसके बाद देखिए बारी बारी से दोनों मीडियन को लेकर चलिए तो भेन ओ बी इज मीडियन तो ओबी किस टैंगल का मीडियन है ए बी सी का यहां पर इसको बाहर निकाल लेते हैं ये इस तरीके से है यहां पे है ए बी सी और यहां पे है ओ अब आप याद करिए ये वाला जो अगर किसी ट्रैंगल में एक मीडियन ए डी हो तो दो साइड के स्क्वायर का सम इक्वल होता है तीसरे साइड के हाफ के स्क्वायर के दो गुना का प्लस मीडियन के स्क्वायर के दो गुना का तो यहाँ पे देखिए जैसे मीडियन ए डी है तो दो साइड कौन कौन लिया गया है ए बी और ए सी मतलब मीडियन के बगल वाला तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मीडियन ओ बी है तो यहाँ पे आपको दो साइड लेना है इसके बगल वाला तो एक हो जाएगा ए बी और एक हो जाएगा बी सी तो यहाँ पे आप बोलिएगा कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल होगा थर्ड साइड यहाँ पे कौन बचा ए सी तो ए सी के हाफ के स्क्वायर के दो गुना का प्लस मीडियन के स्क्वायर का दो गुना तो यहां पे मीडियन कौन है ओ बी है तो यहां पे हो जाएगा टू इन टू ओ बी स्क्वायर इसको मान लीजिए इक्वेशन वन अब ओ मीडियन ले थे अब की बार OD मीडियन लीजिए भेन OD इज मीडियम तो देखिए जब OD मीडियन होगा तो ये ADC ट्रेंगल का है तो यहां पे इसको बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पे डी है सी है यहाँ पे ए है और यहाँ पे ओ है अब देखिए जब ओ डी मीडियम होगा तो यहाँ पे ओ डी के बगल एक ये साइड और एक ये साइड तो ये दोनों को आपको लेना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर ये इक्वल होगा यहाँ पे देखिए जो थर्ड साइड बचा उसके हाफ के स्क्वायर के दो गुना तो थर्ड साइड है ए सी तो ए सी के हाफ हो जाएगा ए सी बाई टू इसके स्क्वायर के दो गुना का प्लस मीडियन के स्क्वायर के दो गुना का तो टू इन टू ओ डी स्क्वायर इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड अब दोनों इक्वेशन को ऐड करिए इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू तो यहाँ पे एल को एल के साथ तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर उसके बाद आर को ऐड करिए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा इसको डिराइव कर लेते हैं तो ये हो जाएगा टू इन टू ए सी स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा प्लस टू ओ बी स्क्वायर यहाँ पे भी देखिए ये हो जाएगा टू ए सी स्क्वायर बाई फोर और प्लस टू ओ डी स्क्वायर तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और यहाँ पे इसको कट करिए ये दो बार में और ये भी दो बार में तो ए सी स्क्वायर बाई टू और ए सी स्क्वायर बाई टू तो यहां पे हो गया ए सी स्क्वायर बाई टू प्लस ए सी स्क्वायर बाई टू और यहां पे देखिए ये दोनों से क्या करिए कि दो कॉमन ले लीजिए तो यहां पे बच जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर ये दोनों को ऐड करिए तो कितना आएगा यहाँ पे दो एलसीम ले लीजिए तो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस टू इन टू और यहाँ पे देखिए ओ बी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर यहाँ पे देखिए फिगर में ओ बी और ओडी है तो यहाँ पे बताइए कि ओ बी को आप क्या लिखेगा जैसे ओबी और ओडी आपस में क्या इक्वल है ना यहाँ पे ओबी और ओडी आपस में क्या इक्वल है और इसका जो लेंथ होगा वो पूरा बड़ा बी डी के लेंथ के, के हाफ होगा डे मीन बी डी बाई टू ये तो आता है समझ में जैसे ये इस तरीके से B है ये बी है ये डी है और यहाँ पे ओ है और ये दोनों आपस में क्या इक्वल है जैसे मान लीजिए ये फाइव है तो ये भी कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा और पूरा कितना हो जाएगा टेन हो जाएगा तो ये जो ओ बी का जो लेंथ है वो पूरा बी डी के लेंथ का हाफ नहीं है पूरा का लेंथ कितना है दस है और ये कितना है पाँच है तो ये दस का हाफ़ है उसी प्रकार ये भी कितना है पूरा का हाफ है तो वही चीज़ तो यहाँ पे लिखे ओ बी और ओ डी आपस में इक्वल है इसका जो लेंथ होगा पूरा बड़ा वाला बी डी के लेंथ के हाफ होगा देट मीन्स बी डी बाई टू तो ओ बी और ओडी के जगह बी डी बाई टू फुट करिए तो यहाँ पे बी डी बाई टू पुट करिए तो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर बाई फोर और यहाँ पे भी हो जाएगा बी डी स्क्वायर बाई फोर होल स्क्वायर करिएगा तो बी डी स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और यहाँ पे देखिए ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर टू ए सी स्क्वायर और टू से टू कटेगा ना तो सिर्फ बचेगा ए सी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे भी एल्सीय ले लीजिए तो यहाँ पे फोर हो जाएगा ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इसको भी काटिए दो बार में तो ये हो जाएगा ए तो तो बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और यहाँ पे देखिए ए सी स्क्वायर और इधर बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर तो स्क्वायर करिएगा तो टू बी डी स्क्वायर आएगा और नीचे में दो है तो दो से दो कट जाएगा तो बचेगा क्या बी डी स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा बी डी स्क्वायर